लेकिन इसके साथ दोस्तों मैं हूं कश्मीर, आप देख रहे हो मेरे सेल्स यूनिक गाइस। आप में से बहुत से बच्चे छोटी छोटी अपनी कंपनीज खोले हुए हैं, बहुत ही अच्छा काम है। कुछ लोग डिजाइनिंग करके देते हैं, कुछ लोग प्लानिंग, कुछ लोग स्ट्रक्चर्स, कुछ लोग सब कुछ करके देते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि उनको प्रोजेक्ट्स बहुत ही कम मिलते हैं। आपको पता है उसका रीजन क्या है? बहुत ही कम प्रोजेक्ट मिलने का। मुझे डेली कम से कम 2 से 3 बच्चे मैसेज करते ही करते हैं, पूरा पूरा अपना प्रोस्पेक्टस वगैरह जो भी रहता है बनाते हैं, नीचे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल, सर्विसेज क्या क्या करते हैं वो भी करके देते हैं। लेकिन ऐसे ही वो कई लोगों को डेफिनेटली देते होंगे, लेकिन रिस्पांस क्यों नहीं आता, प्रोजेक्ट इतने कम क्यों आते हैं? आपको रीजन पता है? रीजन इसका रिफर एंड अर्न। अगर आप किसी को भी शेयर कर रहे हो कि मैं ये काम करके देता हूं, ठीक है, वो तभी आपके काम को प्रमोट करेगा, तभी आपके काम को आगे लेके जाएगा जब आप उसको कुछ बेनिफिट देंगे। इन द सेंस कि अगर आपने सपोज किसी भी कोई बच्चा है उसको बोले कि आप प्रोजेक्ट लेके आओ, तो आपको हम 20% शेयर करेंगे, आपको हम 10% लेके शेयर करेंगे। चाहे फेसबुक पे हो, वहां पर भी रिफरल इनकम काम करता है। आज के टाइम पर देख लो कितने ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि रिफरल इनकम्स देते हैं। रीजन पता है? क्योंकि रिफरल इनकम से लोगों को लगता है कि यार इससे अपना बेनिफिट्स है, इसलिए वो अपने प्लेटफॉर्म्स पे जिनका भी फेसबुक है, जिनका भी व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वो प्रमोट करते हैं आपके काम को। सो इसलिए आगे से जब भी कभी किसी को भी अपना रेफरेंस दो, मीन्स अपना पोस्टर्स वगैरह, प्रोस्पेक्टस वगैरह जो भी बनाते हो, बनाओ, चाहे फेसबुक पे लगाओ, तो उस टाइम पर नीचे एक कॉलम जरूर ऐड किया करो कि जो भी आपके काम को शेयर करेगा, जो भी आपके काम जिसके माध्यम से आपका काम आएगा, उसको 20% 10% व्हाटएवर मनी यू विल गेट उसका शेयर करेंगे। तो उससे क्या होगा? सामने वाले का इंटरेस्ट बनता है। और दूसरी चीज, अगर वो सिविल इंजीनियर है तो उसको 30% शेयर करो। आप बोलो सर ऐसा क्यों? क्योंकि सिविल इंजीनियर के पास काम ज्यादा आता है, और जिसको 30% मिल रहा है, सपोज मुझे, मेरे पास अगर कोई काम आता है और मैं अगर तुरंत रिफर कर देता हूँ, 30% 10,000 रुपए का काम है, 3,000 रुपए मुझे मिल गया, तो आपको पता है ये सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा मेरे लिए। क्यों? काम कराऊंगा, क्लाइंट की 10 बातें सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेगी, इसके जगह पे बैठे बैठे 30% मतलब 3,000 रुपए मिल गए, तो क्या गया हमारा, हम रिफर एंड अर्न कर सकते हैं। हम इन द सेंस कोई भी सिविल इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, सी ऑलवेज रिमेम्बर। कुछ बच्चों ने मैसेज किया तो मुझे लगा यार ये बच्चों को प्रोजेक्ट क्यों, क्योंकि मैं तो सबको नहीं रिफर कर सकता, डेफिनेटली मेरे लिए इशू नहीं है, मैं कितने लोगों को रिफर करूंगा। लेकिन और भी जो सिविल इंजीनियर्स हैं जिनके पास है कि हाँ यार उनके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, उनको ऐसे स्कीम्स दो जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट मिले, और 100% ये वर्क करेगा ही करेगा, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, हर जगह पे रिफर एंड अर्न सिस्टम को लागू करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं खुद ही जो भी मेरा प्रोजेक्ट लेके आता है उसको मिनिमम 20% शेयर करता हूँ, बड़ा प्रोजेक्ट रहता है और देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। याद आया कि हाँ यार ये गलती लोग कर रहे हैं, इसलिए आपको बताने की कोशिश किया। दूसरी चीज, अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज वाले बच्चे भी तो कर रहे होंगे ना कि चलो हम प्लानिंग सीख रखे हैं, सर से ऑटोकैड सीख रखा है, चलो कुछ प्लानिंग का काम करते हैं, करो। लेकिन वो तभी आपका प्लानिंग का काम सक्सेस होगा जब उसके लिए कुछ ना कुछ रिफर एंड अर्न सिस्टम लगाओगे, तो लोगों की रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी तो आपका सक्सेस मिलेगा। चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन, जय हिंद जय भारत।